आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी के पानी में तैरकर अब शेखावाटी अंचल में खुशी आने वाली है। दरअसल 20,000 करोड़ की परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद इस पर काम भी शुरू हो चुका है। पानी की कमी झेलने वाले झुंझुनू के साथ चूरू और सीकर को भी अब फायदा होगा। जल से स्वावलंबी हो रही जनता, दूर हो रही पानी की किल्लत, पानी लाने के लिए हवाई सर्वे शुरू। झुंझुनू में 3 दिन तक हुआ सर्वे। चूरू के राजगढ़ में बनेगा पानी का बड़ा तालाब। सीकर को भी मिलेगा फायदा। ये खबर झुंझुनू समेत पूरे शेखावटी अंचल के लिए खुशखबरी लाने वाली है। करीब 5 दशक से शेखावटी के लोग जिस यमुना नदी के पानी का इंतजार कर रहे थे, अब वो खत्म होने वाला है। झुंझुनू के सांसद संतोष अहलावत लगातार 4 सालों से संसद में इस मामले को उठाते भी रहे। संतोष अहलावत के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लगातार संपर्क में रहने का फायदा ये हुआ कि 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना को अब जब मूर्त रूप दिया जाएगा, यानी अब शेखावटी में ना तो पीने के पानी की किल्लत होगी, ना ही सिंचाई के बिना अब खेत प्यासे रहेंगे। पिछले 50 वर्ष यानी 5 दशक से लगातार नहर की राजनीति यहाँ होती रही। हर बार चुनाव आते थे और नहर आने की बातें तेज हो जाती थी। चुनाव जैसे ही निकल जाते थे, नहर की बात ठप हो जाती। परियोजना के तहत 3 दिन तक झुंझुनू में हवाई सर्वेक्षण हुआ। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भी प्रगति रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक यमुना का पानी शेखावटी में लाने के लिए 270 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी। साथ ही पानी स्टोर करने के लिए चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के गोठिया बड़ी गांव में 7 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा एक तालाब बनाया जाएगा, जिसका फायदा आसपास के इलाकों के तमाम लोगों को तो मिलेगा। इसी तालाब से किसानों के लिए सिंचाई का पानी भी दिया जाएगा। 2014 में जब मैं एक सांसद के हैसियत से दिल्ली गई, तब मैंने वहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश की कि अभी तक कितना काम उस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई एक भी मीटिंग वहाँ हुई नहीं थी और किसी प्रकार का कोई प्रपोजल या प्रस्ताव वहाँ था नहीं। परियोजना से जुड़ी 20,000 करोड़ रुपए की DPR 15 सितंबर तक हर हाल में केंद्रीय जल आयोग में जमा करवा दी जाएगी, ताकि काम जल्द शुरू हो सके। राजस्थान को 577 क्यूबिक मिलियन मीटर पानी मिलेगा, जिसमें 60% पानी सिंचाई के काम में आएगा और 40% पीने के लिए इस्तेमाल होगा। शेखावटी की बात की जाए तो 70% झुंझुनू को और 30% सिंचाई का पानी चूरू जिले के काम आएगा। साथ ही सीकर को केवल पीने का पानी मुहैया करवाया जाएगा। भले ही इस मामले को BJP के विरोधी चुनावी लॉलीपॉप कहते हो, लेकिन अहलावत इससे इनकार करते हैं। खैर, इतना तो तय है कि इस परियोजना के सिरे चढ़ते ही पानी के लिए होने वाली समस्या शेखावटी से खत्म हो जाएगी। संदीप केडिया, Zee Media, झुंझुनू।